Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. बजा रहे दिलों के सौदे थे, तुम लोगों ने मुझे मजबूर करके एक कदम तो उठवा लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये रिश्ता निभा पाऊंगा। ना बस इसका तो फिर एक ही हल है कि तू तबरेज को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला। ना बेबे ना, उनको मेरी मोहब्बत पे कभी यकीन नहीं आएगा। मैं जाके उनके पाँव में पकड़ लूंगी तब भी मेरा यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया, अभी होगा या नहीं? शमा, अल्लाह ताला की माफी हम इंसानों की माफी से मशरूत होती है। हम सब तुम्हें दिल से माफ कर चुके हैं। चलो, तुम कैसे कर लेती हो ये सब कुछ? क्या? सबको माफ करना, सबका ख्याल रखना, सबके लिए अपना दिल साफ रखना। बस कोशिश कर सकती हूँ शमा मैं तो, और बाकी जो करता है वो अल्लाह ताला करता है। खैर, तुमने मुझे बातों में उलझा दिया, ये भी नहीं पूछने दिया कि तुम कुछ खाओगी। नहीं उजाला, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन से पहले कुछ खाने के लिए मना किया। तुम बस मुझे पानी ला दो। ठीक है, तुम आराम से बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जूबी, क्या हो गया? क्या फजूल बातें शुरू कर दी तुमने? मोहब्बत कोई फजूल चीज नहीं है। जैसे आपको उस उजाला से मोहब्बत है ना पागलों वाली, मुझे भी आपसे हो गई है। लेकिन जूबी, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे दरमियान सब कुछ तय नहीं हुआ था। क्या क्या? आपको जब उजाला से मोहब्बत हुई थी तो आपने क्या अपने खानदान को बिठा के ये फैसला किया था कि हमें मोहब्बत करनी चाहिए? अजीब बात करते हैं आप भी। तुम ऐसी बातें करके अपनी और मेरी मुश्किलात बढ़ा रही हो। अब तबरेज़ जी, कैसी बातें कह रहे हैं आप? मैंने आपसे जानबूझ के मोहब्बत तो नहीं की है ना। बस हो गई मोहब्बत, भी ना बताए मुझे भी। हालांकि जैसा सुलूक आप मेरे साथ करते हैं ना, मुझे आपसे मोहब्बत ही नफरत होनी चाहिए थी। जूबी देखो, मैं सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, फिर मुझे कोई नुक्ता बता दें आप कि मैं अपने दिल से आपकी मोहब्बत निकाल सकूं। मुझसे नहीं रहा जाता। अब मैं क्या कहूँ तुमसे? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा तबरेज़ जी, मुझे आपसे मोहब्बत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। नहीं जूबी, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने देना आप, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तबरेज जी, अगर आप मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकते तो इस तरह ठुकराए भी तो मत। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बच्चे कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? ना पा, ये सूबी और तबरेज पुत्र तो अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे हैं। इतने दिन बाद तो इकट्ठे हुए, ना तुम्हें कोई काम था क्या? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं था, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा है, चलो बातें करने दो उन्हें। उजाला बेटा, खाना तैयार हो गया? हाँ जी कुक, रेडी है। अब मैं लगवा देती हूँ। शमा तो खाएगी नहीं और मेरा भी मूड नहीं है खाने का। मैं शमा के पास हूँ, कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है। अच्छा सुनो गफूरा, मैं तुमसे एक मशवरा करना चाह रही थी। सौ बिस्मिल्लाह आपा, बोलो। अच्छा ठीक है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने देना आप, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तबरेज जी, अगर आप मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकते तो इस तरह ठुकराए भी तो मत। उजाला, क्या हुआ? शमा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी में मुझे और कितने सरप्राइजेस देखने पड़ेंगे। उजाला क्या हो गया है, मुझे बताओ, कुछ हुआ है? मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। उजाला तुम मुझे परेशान कर रही हो।
अरे नहीं, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं बस तुम्हारा सोच के थोड़ी टेंशन में थी। कमाल करती हो जाला, डरा दिया था तुमने। अभी तो तुम मुझे तसल्लियां दे रही थी और अब खुद परेशान हो रही हो। हो जाती है कभी कभी टेंशन, सब ठीक हो जाएगा। हंसो, परेशान कर दिया मुझे पागल, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ कि जूबी का बेबी शावर करवा लेते हैं। क्या क्या करा लेते हैं? अरे मेरा मतलब है जूबी की गोद भराई की रस्म करवा लेते हैं। भाई सच्ची आपा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मेरी जूबी सुनेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। क्या मुझे तब्रेज से बात करनी चाहिए? नहीं, मुझे ये सब तब्रेज से नहीं पूछना चाहिए। अगर कहीं उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मैं तो बिल्कुल टूट जाऊंगी। अच्छा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, कितनी मोहब्बत करती है मुझसे? की सोच से भी ज्यादा। तो फिर तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन नहीं है? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि शायद तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो लेकिन अपनी मोहब्बत पे यकीन नहीं है, इसीलिए तुमने ये तावीज मेरे सिरहाने रखा कि मुझे अपनी मोहब्बत में जकड़ सको। तावीज? तब्रेज, आपने मुझे इतना मदरकीटा समझ रखा है कि मैं ये इस तरह की हरकतें करूंगी? अरे नहीं उजाला, मुझे आपकी मोहब्बत पे और पुख्ता ईमान पे बहुत यकीन है। मैंने ये नहीं रखा है। हाँ, आपकी लाडली ने रखा हो शायद। अच्छा खैर छोड़ो ना, जिसने भी रखा हो, मुझे क्या। मैं नहीं छोड़ सकती, बहुत इंटरफेयर करने लगी हो मेरी लाइफ में। मैं इसको बताती हूँ। उजाला, देखा बेबे तूने यार, तब्रेज जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि करे तू करे क्या, कहे तू कहे क्या। वैसे तूने मुझे बड़ी कामयाब चीज बताई बेबे। शाबाश मेरी बट्टी, शाबाश। ना दुनिया में ना औरत की मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर जंजीर कोई नहीं बनी मर्द के पैरों के लिए, बस तू ये बात याद रख। कह दे तू ठीक रहिए बेबे, अब मैं अपनी मोहब्बत का ऐसा ढोल पिटूंगी ना कि तब्रेज जी को चुड़ैल की मोहब्बत के बाद सुनाई भी नहीं देगी। तुम्हें तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में पूछ के आते? तमीज थी, लेकिन अब ये सारी तमीज मैं तुमसे ही सीख रही, जिस तरह तुम हर रोज मेरे कमरे में आ धमकती हो। ओ अच्छा जी, यानी तुम्हें भी खबर आ पहुंची कि इश्क और मुश्क कभी छुपता नहीं है। और तुम जैसे लोगों की घटिया करतूत भी छुपा नहीं सकते। कितनी बदतमीज हो तुम, और ये क्या हरकत की है? किस बात पे गुस्सा उतार रही हो मुझ पे? ये जो घटिया हरकत तुम करती हो ना, ये अपने कमरे तक ही महदूद रखा करो। आइंदा जूबी, अगर तुम मेरे कमरे के आसपास ही मुझे दिखे ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आए कुड़िया, आराम नाल, ज्यादा फूलन देवी ना बनी। देख ले बेबे किस तरह ये जल रही है मेरी और तब्रेज जी की मोहब्बत से। मैंने जो तुमसे कहा है तुम उस पे ध्यान दो और मेरी फिक्र करना छोड़ दो। ये है तुम्हारी असलियत, अपनी सास के सामने तो बड़े अच्छे होने के ड्रामे करती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना बीबी, ये ड्रामे ज्यादा देर चलेंगे नहीं तुम्हारे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है क्या फजूल बात? उजाला चलो। मैं क्या सुनूं तब्रेज, आप इसको तो कुछ नहीं बोलते, भी मेरे कमरे में आती है। देख लें तब्रेज जी, आपको दी अपनी आंखों से, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, ऐवें आके मेरे कमरे में फसाद कर रही है। इनसे क्या शिकायतें लगा रही हूँ, जब इन्होंने आज तक तुम्हें मेरे कमरे में आने से मना नहीं किया तो मुझे क्या रोकेंगे? जुबी अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, समझा लें से आप। अरे शक्ल से कितनी भोली लगती है, पूरी ततैया मेरा। देख ले बेबे, आज बासी कड़ी में भी उबाल आ ही गया, बड़ा इजी ले रखा है इन लोगों ने जुबी को। शाबाश मेरी कुड़ी है, शाबाश। न दुनिया में कोई जहर इतना आसान नहीं रखता जितना सौत का जलापा। जलाए जा जितना जुला सकती है उजाला को। मैं तो उसको जला के राख कर दूंगी बेबे, बड़ा इजी ले रखा है, ये घर भी मेरा तब्रेज जी भी मेरे। आई पड़े <पड़ी। laughs>
देखो बाजी, ये मेरा घर है, तुम कौन होती मुझे मशवरा देने वाली? जूबी बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे मेहमानों की इंसल्ट करने का। तुम जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अल्लाह करे तुम दोनों बहने मर जाओ और अल्लाह तुम लोग को कभी माफ ना करे। अरे क्या हो रहा है ये सब जूबी? चल बेबे। क्या हो रहा है तबरेज़ जी? I'm sorry पप्पो, लेकिन हमें अब यहाँ से चलना ही चाहिए। है तैमूर, खाना खा के जाना यार, सुबह के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं तबरेज़, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुछ दिन में शमा का ऑपरेशन है, मेरी चाचा की तबीयत और खराब। चलो फिर हम लोग चक्कर लगा लेंगे, लेकिन यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं तबरेज़ भाई। देखो शमा बेटा, प्लीज कोई बात दिल पे मत लेना। नहीं पप्पा, कोई टेंशन नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शमा तुम जूबी से इस तरह बात मत किया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है जिस तरह उसने तुमसे बात की। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या गलत कहा उसने? सच्ची तो कह रही थी, टांगे तो मेरी वाकई कब्र में। शमा प्लीज यार, इस तरह मायूसी वाली बातें नहीं किया करो। तुम्हें पता है मायूसी वाली बातें करने से ना इंसान के अपने ऊपर असर पड़ता है। ठीक कह रहे हो। तुम्हें पता है दिन में हजारों बार मेरा हौसला और मेरी उम्मीद टूटती है, हजारों तरह के वहम सताते हैं मुझे। तुमसे कितनी बार कहा है वहम नहीं किया करो, सिर्फ दुआ किया करो, बहुत ताकत होती है दुआ में, तकदीर बदल जाती है इंसान की। तैमूर कितने अच्छे हो ना तुम, और इस बात का अंदाजा मुझे कितनी देर से हुआ, आज अफसोस होता है मुझे खुद पर। वो तो मैं हूँ और तुम भी ठीक ही हो बस। अच्छा मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? करो ना से वादा करो कि आज के बाद तुम कभी मायूसी वाली बातें नहीं करोगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जब तक ये हाथ मजबूती से थामे रखोगे कभी मायूस नहीं होगी। डन। अब चलें? चल। यार आज तो तुमने मुझे हैरान ही कर दिया। वो कैसे? यही कि तुम मेरे बारे में इतना पोजेसिव भी हो सकती हो। वो तो मुझे गुस्सा आ गया था, जाहिर सी बात है, एक इंसान कब तक बर्दाश्त कर सकता है। उजाला यही बात तो मैं तुम्हें शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने साथ ऐसे ज्यादतियां बर्दाश्त मत करो। लेकिन मुझे एक चीज का बहुत अफसोस है। वो क्या बात? यही कि मैं कभी कभार जूबी के साथ ज्यादती कर देता हूँ। बड़ी फिक्र होने लगी आपको उसकी। वाह यार उजाला, तुम नहीं समझोगे। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि तुम आजकल क्यों इतने गुस्से में रहने लगी हो। मॉम सही कह रही हैं आप, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि इन दोनों के बीच से निकल जाओ, वरना हर झगड़े में तुम जूबी को निशाना बनाते हो। देखा तुमने, जूबी के साथ जो तुम ज्यादती करते हो ना, उसका असर उजाला ले रही है, बल्कि अब तो आंखें भी दिखाने लगी है। माँ मेरा ख्याल है हमें उजाला का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए। कुछ ना कुछ तो जूबी ऐसा करती है ना जिस पे उजाला ऐसे रिएक्शन देती है। रहने दो तबरेज, उजाला की तरफ जो तुम्हारा झुकाव है ना, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हें जूबी वारिस पैदा करके देगी उजाला ने, इसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। माँ मेरा ख्याल है हमें उजाला का एहसानमंद होना चाहिए, अगर वो इजाजत ना देती तो जूबी कभी भी इस घर में ना आ सकती। हाँ उजाला ने बहुत साथ दिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपने होने वाले बच्चे की माँ को ज़हनी असियत पहुँचाओ। मैं खुद भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ माँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ जाता। बेटा अपने गुस्से और जानिबदारी को कंट्रोल करो, कम अज कम उस वक्त तक जब तक तुम्हारी गोद में बच्चा नहीं आ जाता। अब सही कह रही है, मैं कोशिश करूँगा। शाबाश, थैंक यू।
मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि इन दोनों के बीच से निकल जाओ, वरना हर झगड़े में तुम जूबी को निशाना बनाते हो। ये बात मुझे इतनी देर से क्यों समझ है कि पप्पू शुरू से नहीं चाहती थी कि मेरा और तबरेज का साथ हो। मजबूरी में शायद वो मुझे बहू बनाकर ले आई, लेकिन इस फैक्ट के बाद कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, उनके पास तो सॉलिड रीजन है मुझे रिजेक्ट करने की। और अब तो उनकी बहू उनका पोता पैदा करने जा रही है, वो क्यों मेरे साथ अच्छे होने का ड्रामा करेंगी। उजाला की तरफ जो तुम्हारा झुकाव है ना, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हें जूबी वारिस पैदा करके देगी, उजाला नहीं। पता नहीं अब क्या होगा, अगर मैं जूबी के साथ अच्छा सलूक करता हूँ तो उजाला नाराज हो जाती है, और अगर मैं दिल की सुनूं तो मेरा जमीर मुझे कुछ कहने लगता है। लोग कैसे दो बीवियों के साथ वजन कायम कर लेते हैं। ओह गॉड, मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। उजाला, शमा का ऑपरेशन तो 4 बजे है ना, तो मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा। लेकिन तबरेज। क्या लेकिन? अगर इतनी जल्दी है ना तो खुद चली जाओ अपनी बहन के पास। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। उस डॉक्टर्स ने कहा इंतजार कीजिए, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बस अल्लाह ताला खैर करे, बिन माँ के बच्चा तो रुल जाएगा ना।